हेलो एवरीवन, आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने बताया और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के सिंपल से सिंपल के बारे में बताऊंगा और उसमें भी एडजेक्टिव का यूज कैसे करें उसके बारे में मैं आज आपको सिखाऊंगा। सो मात्र 5 से 6 मिनट बड़ा धैर्य से वीडियो को देखें अंत तक और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज दी है उसको सॉल्व जरूर करें, अपनी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल से सिंपल बनाएंगे। देखिए क्या है, जब वाक्य में कोई नाउन दिया हो, मान लो अगर किसी वाक्य में एक वाक्य में नाउन दिया हो तथा दूसरे वाक्य में उसकी विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव दिया हो, एक वाक्य में नाउन दिया हो और दूसरे वाक्य में उसके लिए कोई एडजेक्टिव प्रयोग किया जाए या उसकी विशेषता वाला शब्द प्रयोग किया जाए तो क्या करते हैं, तो सिंपल वाक्य बनाते समय, जब हम सिंपल बनाते हैं उस समय एडजेक्टिव को वाक्य में दी गई नाउन से पहले रख दिया जाता है, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है उसको नाउन से पहले मेंशन कर देते हैं, बस नाउन से पहले आपको रखना होता है। कहने का तात्पर्य ये, अगर एक वाक्य के नाउन की विशेषता दूसरे सेंटेंस बताई जाए तो उस नाउन से पहले उस एडजेक्टिव को रख देते हैं। यही चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ को समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे ए मैन, एक आदमी केम टू मी, मेरे पास आया, ही वॉज ब्लाइंड, मीन्स वह अंधा था। देखिए ध्यान से, ये लिखा है कि एक आदमी मेरे पास आया, वह अंधा था। तो अब आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा नाउन है मैन, तो इसके बारे में दूसरे सेंटेंस में उसकी विशेषता बताई जा रही है ब्लाइंड, बोले तो अंधा। देखिए, एक आदमी मेरे पास आया, वह अंधा था, तो कौन अंधा था, आदमी, यानी कि आदमी की विशेषता बताई जा रही है। तो बस आपको क्या करना है, केवल नाउन से पहले उस एडजेक्टिव को रखना है। तो क्या बनेगा, ए ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी केम टू मी, मेरे पास आया, हो गया सिंपली। तो याद रखना है कि अगर नाउन की विशेषता मतलब सब्जेक्ट के रूप में बताई जाए, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में बताई जाएगी तो ऑब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव लगा देंगे। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा, जैसे आई सॉ अ वुमेन, मैंने एक औरत देखी, सी वॉज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ी थी। देखिए ध्यान से, मैंने एक औरत देखी, वह बहुत बूढ़ी थी, तो दूसरे सेंटेंस में अब औरत के बारे में बताया जा रहा है। तो याद रखना, अब ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में बताया जाएगा उसी से पहले, उस नाउन से पहले आपको केवल एडजेक्टिव लगाना है। तो क्या बनेगा, आई सॉ अ वेरी ओल्ड वुमेन, मीन्स मैंने एक बहुत बूढ़ी औरत देखी। तो यही याद रखना, वो नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा और कोई तीसरे रूप में नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो याद रखना, अगर नाउन सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है ना, दूसरे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वाले नाउन की विशेषता बताई जा रही है तो उस जो विशेषण शब्द को उस नाउन से पहले लगाना। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है दूसरे सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट से पहले वो एडजेक्टिव आपको लगाना है, बस, ठीक है। एक और एग्जाम में पूछा जाए तो थोड़ा सा टेक्निकल है, ये दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट, इसे देखते हैं। जैसे ए लॉयन वॉज हंग्री, एक शेर भूखा था, He killed a goat, उसने एक बकरी मार दी, The goat was black या brown, कुछ भी ले लो, brown ले लेते चलिए। तो देखिए, एक लॉयन जो था वो भूखा था, उसने एक बकरी मार दी और जो बकरी थी वो ब्राउन थी। इस देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये सेंटेंस नहीं है,
ये सेंटेंस है कि उसने एक बकरी मार दी, यहाँ पर उसने जो है वो लोइन के लिए ही लिया गया, ठीक है। जैसे अगर होता है कि लोइन ने एक बकरी मार दी और जो बकरी है वो कैसी है, ब्राउन है, तो सीधा बन जाता कि उसने एक ब्राउन बकरी मार दी, यानी कि ही किल्ड अ ब्राउन गॉट। लेकिन यहाँ पर एक नया वो सेंटेंस और आ गया। अब इसे क्या देखेंगे, देखिए एक लोइन भूखा था, अब इस सेंटेंस में लोइन की भी विशेषता बता देंगे इसी सेंटेंस में। तो देखिए ये कैसे बनेगा, ए हंग्री एक भूखे लोइन शेर ने किल्ड मिस मार दी ए ब्राउन एक भूरी गॉट बकरी। फिर से समझिए, याद रखिए पहले अगर तीन सेंटेंस दिए हैं तो पहले ही सेंटेंस में ध्यान दीजिए लोइन की विशेषता बताई जा रही है हंग्री, यानी कि एक हंग्री लोइन ने किल्ड माने मारे। अब तीसरे सेंटेंस में गॉट की बताई जा रही है तो लिख देंगे ए ब्राउन गॉट, यानी कि एक भूखे शेर ने एक भूरी बकरी मार दे। तो इन्हीं तीन प्रकार से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इन्हीं तीन प्रकार के मैंने आपको एक्सरसाइज में दिए हैं, तो जाके उसको जरूर बनाएं। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।